मेड़ता सिटी पुलिस ने ग्राम लीलिया में हुई हत्या के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर दो महिला एवं एक पुरुष सहित कुल तीन आरोपियों को ग्राम लीलिया से कर लिया दस्तियाब। बीती 28 जुलाई को बरसात के पानी की निकासी तथा रास्ते के विवाद में आरोपियों ने एक राय होकर एक बुजुर्ग के साथ लाठियों एवं कुल्हाड़ी से की थी मारपीट, जिससे बुजुर्ग की हो गई थी मौत। मृतक रामनारायण की मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने परिजनों को शव कर दिया था सुपुर्द तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना अधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश की थी शुरू। अब पुलिस ने जितेंद्र जाट, कमला देवी एवं पूजा को कर लिया है गिरफ्तार। रोल पुलिस ने दुष्कर्म के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई से किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार आरोपी ने बीते 15 जून को रात्रि के समय पीड़िता के घर में जबरन घुसकर पिस्तौल से धमकाते हुए दुष्कर्म कर छीने थे आभूषण। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी रामनिवास मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का किया गया गठन, जिसमें मामले में फरार आरोपी अरबाज खान कायमखानी निवासी फागली की लगातार की जा रही थी तलाश। आरोपी पिछले एक महीने से सातिराना तरीके से अलग अलग जगह रहकर पुलिस को दे रहा था चकमा। अब विदेश भागने की फिराक में गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन एवं तकनीकी अनुसंधान की सहायता से आरोपी को विदेश भागने से पूर्व ही छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई से कर लिया गिरफ्तार। नागौर में जिला स्तरीय वन महोत्सव एवं पर्यावरण चेतना सम्मेलन का हुआ आयोजन। इस मौके पर राजस्थान सरकार के वन मंत्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड अध्यक्ष संदीप चौधरी एवं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित पर्यावरण प्रेमी हिमताराम बांबू रहे मौजूद। शहर के निकटवर्ती गोगेलाव नहरी डैम के निकट कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट में 1000 पीपल के पौधे लगाकर बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। विशाल स्तर पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जिला स्तरीय अधिकारी, जिला कलेक्टर पीयूष समरिया, एसडीएम सुनील पंवार आदि रहे उपस्थित। इस दौरान पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सेन सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी 1000 पीपल के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। इस मौके पर वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश के सभी व्यक्तियों को बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए भाग, साथ ही अपनी खुशी के मौके पर एक एक पौधा लगाते हुए पृथ्वी को बनाना चाहिए हरा भरा। वहीं राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बताया कि पीपल जैसे वृक्ष हमें देते हैं अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन, ऐसे दीर्घायु पौधे लगाकर हमें निभाना चाहिए अपना फर्ज। याद नहीं करेंगे तो ये पेड़ तो है ही नहीं बचेंगे, लेकिन आदमी भी नहीं बच पाएगा। इसी चीज को 1972 में सीआर साहब को पूरी जानकारी है, पढ़े लिखे लोग भी जो पढ़ते हैं उन सबको ये जानकारी कि वाइल्ड लाइफ एक्ट जो कंजर्वेशन जो रिजर्व फॉरेस्ट जो बनाया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह का नहीं, बाकी ये वन्य जीव तो बच ही नहीं पाते। ये इतने सख्त नियम बनाए इस फॉरेस्ट विभाग के, तब जाके केवल फॉरेस्ट ही नहीं इससे आदमी बच रहे। मैं देख रहा था वन विभाग की जो रिपोर्ट थी ठीक से होगी, जो आज परिवर्तन हो रहा है वो रुकेगा, इसमें दिशा में हमारा विभाग पूरी मस्तिष्क से काम। प्रदेश की क्या स्थिति है पर्यावरण को लेकर, जलवायु को लेकर? है कुछ जगह जहाँ पर प्रदूषण बहुत फैल रहा है, जहाँ उसको रोकने की ज़रूरत है, खास करके जहाँ पर ये फैक्ट्रियों का पानी है ये ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा है, या धुआँ जो फैक्ट्रियों का उसकी वजह से प्रदूषण फैला रहा है, तो उसको भी रोकने के लिए विभाग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। प्रदेश में बढ़ता नशा है, आपने अभी शराब का भी जिक्र किया, क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या पूरी तरह सरकार शराबबंदी को लेकर क्या राय रखते हैं आप? शराबबंदी का सवाल नहीं, ये आदमी के ऊपर निर्भर करता है। वातावरण ही ऐसा बन जाए, इसको कोई उपयोग यूज ही नहीं करे तो ये बंद हो सकता है। गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन वहाँ जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की अभी हाल ही में मौत हुई है। इसलिए खाली सरकार के प्रयासों से ये नशा जो की प्रवृत्ति है इसको रोका नहीं जा सकता, इसमें जनभागिता जरूरी है, यही कहा मैंने लोगों से, सबका सहयोग जरूरी है। भाजपा विधायक मदन दिलावर कल पहुंचे मकराना, प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर जमकर बोला हमला।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने मकराना में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेकर बूथ स्तर पर कार्य करने हेतु किया प्रेरित। इस दौरान हुई प्रेस वार्ता में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराए जाने पर दिया जोर। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का भी विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने देश की जनता का किया है अपमान। उन्होंने कांग्रेस का विरोध करते हुए बताया कि महिलाओं, अनुसूचित जाति, हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम वर्ग के विरोध में भी है कांग्रेस। महिलाओं के विरोधी हैं ये, अनुसूचित जाति के विरोधी हैं ये, हिंदू समाज के विरोधी हैं, और हिंदू समाज के नहीं, ये उन मुस्लिमों के भी विरोधी हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत माता की जय बोलते हैं। उसका एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं, पिछले विधानसभा चुनाव पादुकला पुलिस ने अवैध बजरी खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए कल भी अवैध परिवहन के मामले में दो डंपर को लामपोलाई से किया जब्त। 29 जुलाई की शाम गश्त के दौरान NH-89 पर मेटता की तरफ से लामपोलाई होकर गुजर रहे डंपर को जब थाना अधिकारी सुमन ने जाब्ते के साथ रुकवा कर चालकों से परमिट और ई रवाना मांगे तो दस्तावेज नहीं मिलने पर डंपर को थाने में खड़ा करवा कर माइनिंग विभाग गोठन को किया गया सूचित। उधर मौलासर पुलिस ने भी अवैध बजरी खनन और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर परिवहन में प्रयुक्त डंपर को ग्राम दाऊदपुरा से किया गिरफ्तार। थाना अधिकारी जसवंत देव ने गश्त के दौरान डंपर को रुकवा कर चेक किया तो निकला अवैध बजरी परिवहन का मामला। इस पर थाना अधिकारी ने डंपर को सुरक्षार्थ थाने में करवाया खड़ा। सरकारी नौकरी में युवाओं को मिलेगी 2 साल की छूट। सरकार ने प्रत्येक भर्ती में एज लिमिट को 2 साल तक बढ़ाया। प्रदेश के करीब 1.25 लाख वैकेंसी में मिलेगा सीधा बेनिफिट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के कारण सरकारी भर्ती के लिए 2 साल परीक्षा आयोजित नहीं होने का हवाला देते हुए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सभी वर्गों के लिए 2 वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट देने की है घोषणा, जिससे प्रदेश के सभी 10 लाख कैंडिडेट को मिलेगा सीधा फायदा। राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बख्तावरपुरा पी में कल विद्यालय स्टाफ एवं छात्र छात्राओं ने किया पौधारोपण। शनिवार को आयोजित नो बैग सैटरडे योजना के अंतर्गत विद्यालय परिवार ने पौधारोपण करते हुए पौधों की देखरेख करने का भी लिया निर्णय। कुचामन की महावीर इंटरनेशनल संस्थान की संपर्क संस्थान की सदस्यों ने कल मूक बधिर एवं नेत्रहीन निःशुल्क आवासीय विद्यालय की बालिकाओं के साथ मनाया सिंजारा पर्व। इस दौरान सदस्य शारदा वर्मा एवं सोहनलाल वर्मा के सौजन्य से सभी बालिकाओं को नाश्ता करवाते हुए मेहंदी लगाकर स्टेशनरी भी की गई वितरित। डीडवाना के बांगड़ अस्पताल के PMO डॉक्टर इंदिरा राम को 12 अगस्त तक के लिए भेजा न्यायिक अभिरक्षा में। आपको बता दें कि हाल ही में ACB ने 5,000 रुपये की रिश्वत लेते अस्पताल से किया था ट्रिप, जिसमें लाडनू निवासी एक रोगी को ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज करने की एवज में मांगी गई थी रिश्वत। प्रदेश में छात्र राजनीति के सबसे बड़े दंगल का बज चुका है बिगुल। राज्य सरकार ने शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम कर दिया है जारी। इसे लेकर जिले के भी छात्र नेताओं में दिख रहा है खासा उत्साह। जी हां, जिले के 19 में से 12 सरकारी कॉलेजों में इस बार होंगे छात्र संघ चुनाव। जिला मुख्यालय के सबसे बड़े BR मिर्दा महाविद्यालय एवं माडीबाई महिला महाविद्यालय में सत्र शुरू होते ही छात्र संघ चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं छात्र नेता। नागौर जिले के 12 सरकारी कॉलेजों में 26 अगस्त को होंगे छात्र संघ के चुनाव। इसके लिए 22 अगस्त को नामांकन प्रक्रिया करवाई जाएगी संपन्न। आपको बता दें कि कोरोना के चलते वर्ष 2019 के बाद छात्र संघ चुनावों पर लग गई थी रोक। अब फिर से छात्र संघ चुनाव की घोषणा के बाद हलचल हो गई है तेज। तय कार्यक्रम के अनुसार 18 अगस्त को मतदान सूचियों का होगा प्रकाशन, वहीं 20 अगस्त को मतदाता सूचियों पर आपत्ति की जाएगी प्राप्त तथा होगा अंतिम प्रकाशन।
22 अगस्त को उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे, उनकी जांच होगी और यदि उन पर कोई आपत्ति होगी तो वह भी प्राप्त की जाएगी। 23 अगस्त को वापस नामांकन सूची में जो वैध उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट होगी प्रकाशित। अगर कोई कैंडिडेट चाहें तो इसी दिन अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेंगे और कॉलेज प्रशासन द्वारा अंतिम सूची का किया जाएगा प्रकाशन। 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा मतदान। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।